बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूँ आफ्ताब अहमद राव, देख रहे हैं ऑल टिप्स वीडियो यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी बैंकों के हवाले से। सऊदी बैंकों में आपका अकाउंट है तो अगर आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अपना बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं तो अभी आपको उसकी फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। जो ट्रांसफ़र फ़ीस है वो आपको अदा करनी पड़ेगी। इससे पहले फ्रेंड्स ये होता था कि अगर आप अराजी से किसी और दूसरे बैंक में बैलेंस ट्रांसफ़र करते थे तो आप बिल्कुल फ्री में बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते थे, लेकिन अभी वो वाला सिस्टम ख़त्म हो गया है। एक हफ्ते से आप किसी भी बैंक में अगर आप बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं तो आपसे उसकी फीस चार्ज की जाएगी। और तो आज की इस वीडियो में हम यही वजाहत करने वाले हैं। सऊदी अरब में जिनके अकाउंट्स हैं उन्होंने शिकवा किया है कि बैंक से दूसरे मकामी बैंक में रकम मुंतकिल करने पर फीस ली जाने लगी है। पहले ऐसा नहीं था, जबकि वैल्यू एडेड टैक्स भी वसूल किया जा रहा है। अल मुर्शिद वेबसाइट के मुताबिक एक मकामी अकाउंट रखने वाले ने अराजी बैंक से सवाल किया है कि क्या मकामी बैंकों में जो बैलेंस ट्रांसफर की फीस लगा दी गई है। खातेदारों ने तवज्जो दिलाई है कि वो ये सवाल इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने अराजी बैंक के अपने एक अकाउंट से नेशनल कमर्शियल बैंक के अकाउंट में रकम मुंतकिल की थी, जिस पर अराजी ने उसके अकाउंट से 5 रियाल काट लिए हैं। ऐसा क्यों है? अराजी बैंक ने इस सवाल के जवाब में कहा है कि 22 सितंबर 2020 के बाद अगर आप किसी भी बैंक अपना बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर से फीस जो थी वो नहीं लगती थी, लेकिन अब वो वाला सिस्टम जो है वो ख़त्म हो चुका है, लिहाजा उसके बाद से फीस ली जाने लगी है। यानी जो 22 सितंबर था, 22 सितंबर 2020 से पहले पहले अगर आप किसी भी बैंक में बैलेंस ट्रांसफ़र करते थे तो उस वक्त कोई भी फीस जो वो चार्ज नहीं की जाती थी, लेकिन अगर आप 22 सितंबर जो 2020 है उसके बाद समझ लें 23 सितंबर से आप जो भी बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं उसके ऊपर सऊदी हुकूमत ने एक फ़ीस मुकर्रर कर दी है। उम्मल अब्दुलरहमान नामी खातून अराजी के नाम ये पैगाम दरियाफ्त किया कि उसने अराजी से मकामी बैंक में रकम मुंतकिल की थी, ऐसा करने पर उससे फ़ीस वसूल की गई है। आखिर ऐसा क्यों किया गया? उम्मल अब्दुलरहमान ने अपने दावे का दस्तावेजाती सबूत भी अरसाल किया था। अराजी ने उम्मल अब्दुलरहमान के जो सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हम आपसे माजत ख्वाह हैं, 23 सितंबर 2020 से यानी इतवार से जुमरात तक 9 बजे सुबह से लेकर सपहर 3:30 बजे तक अगर आप किसी भी बैंक में अपने पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर आपको 7 रियाल फीस अदा करनी पड़ेगी, जबकि इतवार से जुमरात तक 3:30 बजे से सुबह 9 बजे तक अगर आप किसी भी बैंक में बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर आपको 5 रियाल जो है वो फ़ीस अदा करनी होगी। ये सऊदी बैंक ने अपने नए कानून जो वो जारी कर दिए हैं और जुमरात से हफ्ते तक 3:30 से 9:30 बजे तक 5 रियाल फीस है, 15% वैल्यू एडेड टैक्स भी जो है वो भी आपको अदा करना होगा। ये फ्रेंड्स अभी तक की बैंक के हवाले से नई अपडेट। अगली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाजमी से लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।